हेलो जी, क्या हाल चाल है? खैरियत ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो हो, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे आप। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ही हूँ, फिट हूँ और मज़े में हूँ। और इसकी तबीयत भी पूछ लेना कैसी है। ये वापस चलते हैं, चादर भूल गया हूँ मैं अपनी कंधे पर रखने वाली। बलूची कल्चर भूल गया, ईरान का जो बलूचों का कल्चर है वो भूल चुका हूँ मैं, बलूची कल्चर। तो चादर ले लेते हैं फिर चलते हैं। ये ले, ये हो गया धोती और ये हो गई हट्टी पे जा रहा हूँ मेरी धी दुकान पे। बाय बाय, टाटा टाटा। सदा एक काम करना है, जेडे पल्ले हैं ना दे, जेडे आथले पल्ले इन दे, जे कोई टूटा टाटी करनी है। टूटा टाटी समझते हैं, बीजा नहीं। हाँ, इन्हें कोने काट के ना भी है क्या वाला, थोड़ा जैसे सीधा कहने उस्ताद टेढ़ा है। बड़ा कि नहीं पहले दूध होते, यानी कि हाँ दूध होते करने इधर। इतना कपड़ा गिनना ही मैं समझ गया अपनी मौत को मोल गिनना। बड़ा महंगा, बड़ा महंगा थी। हेलो जी, वेलकम बैक जी। हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा काम काम क्या है, पैसे लगाने हैं, सामान मंगा रहे हैं उसके लिए। कल सामान आएगा तो कपड़े भी अपने ब्लैक ब्लैक सूट दर्जी को देना है। और आपको इंशाल्लाह से मैं ईरान के कल्चर भी दिखाया करूँगा। क्या है? हाँ ठीक है ठीक है, खुदा बर्बाद करा पिछो पिछो नहीं सड़ी ना होना, बंदा कहीं काम को बंदा पिया होंदे मनुष लोग ही बस लोग। चलो जी, जा रहा था पीछे से आवाज़ पड़ गई कि पेचकस लेते हैं ना। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक के पेचकस भी लेके आएंगे। ओहो, ठुड्डा लग गया सर। कोई बात नहीं, लगते रहते हैं ठुड्डे बुड्डे। तो ये ईरान का जंगल ही जंगल है क्या? हम आपको कल्चर दिखाया करूँगा, ईरानी लोगों से मिला करूँगा और बातें भी किया करूँगा, वो भी आपको सुनाया करूँगा। बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं ईरान के, जो हैं पुरखलूस और इखलाक वाले लोग हैं, और इंतहाई मेहमान नवाज भी हैं। इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर बलोच है, मुझे तकरीबन कोई 8 से 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं हुआ आज तक, ना ही इंशाल्लाह आगे होगा। और जो मैंने आपसे पुल का जिक्र किया था ना, वो पुल भी माशाल्लाह से बन रही है। जो रोड हमारा पाटा हुआ था, सॉरी यानी कि तोड़ा हुआ था ना, वो भी अब रास्ता बन रहा है। यानी कि जो रोड हमारा पाटा हुआ था उसको भी टांके लगा के सील रहे हैं। बस सिर्फ एक बार रजब फैमिली ने एक घंटा जोर लगाया था, और तकरीबन कुछ 600 प्लस सब्सक्राइबर मुझे दिए थे और 50,000 व्यूज़। उसके अलावा कुछ नहीं मिला है मुझे किसी फैमिली से भी, ना डाकी भाई से, ना रजब फैमिली से, किसी फैमिली से भी कुछ नहीं मिला यार। क्या करो, पाकिस्तानी भाई हूँ आपके, ईरान में रहता हूँ, परदेसी हूँ, परदेसियों के लिए परदेसी भी करें ना, बहुत हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें प्लीज़। ये देखें, ये एक इलाका है देरमान, इसको कहते हैं देरमान दश्तियारी रोस्ताई देरमान। ये देरमान को रोड जाता है, सिर्फ देरमान है। और मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ तलांग, जो मेरा इलाका है वो तलांग का इलाका है, छोटा सा एक शहर है तलांग का, वहाँ जाता हूँ मैं, उसके करीब रहता हूँ, उसी के आसरे मेरा यानी कि रोज़ी रोटी चल रही है। और अल्लाह के आसरे, अव्वल अल्लाह के आसरे दो, इसी बाज़ार के आसरे, यानी कि इसी की सपोर्ट में, इसी के टच में ही मैं हूँ। और वहाँ पर बाज़ार के अंदर कोई दुकान नहीं मिला था मुझे, और यूँ समझ ले कि यहाँ पर कोई फर्नीचर वाली शॉप और है ही नहीं है। और मैं भी ऐसे ही देख के आया था सिस्टम के, यहाँ पे कोई नहीं इसलिए मैं यहाँ आया था। वहाँ पे हम दोनों भाइयों की दुकान एक साथ थी, तो मैंने सोचा इससे बेहतर है कि यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ अच्छा रहेगा, कुछ है ही नहीं। तो चलते चलते आज का व्लॉग ही शुरू करते हैं। हेलो जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हेलो जी, वेलकम अनदर व्लॉग ईरान जी। व्लॉग को शुरू कर लिया है, तो चलते चलते आगे पोल भी आने वाला है, जो पाटा पड़ा था वो भी आपको दिखाते हैं, और चलते हैं तलांग के जाने। दो चार दोस्तों से मैंने कॉल पे बात मेरी हुई थी पाकिस्तान में और यहाँ ईरान में भी, वो कह रहे थे कि आप व्लॉग सराइकी में बनाया करें, सराइकी ज़ुबान में बनाया करें, अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा यार सराइकी में तो बनाऊँ, लेकिन ये बोलते हैं आपकी उर्दू गुलाबी है ये। मैंने बोला उर्दू जैसी भी है मेरी क्लियर है, लेकिन मैं खुद ऐसी जानबूझ कर ऐसी बोलता हूँ, पाटा पड़ा है, टूटा पड़ा है, फटा पड़ा है, जानबूझ कर ऐसी गुलाबी उर्दू बोलते हैं कि आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। बाकी वैसे उर्दू आती है अल्हम्दुलिल्लाह से हमें।
और मेरी जो तालीम है वो तकरीबन अल्लाह के हुक्म से मिडिल है, मिडिल तालीम है मेरी। और तालीम तो के बारे में ज़ीरो हूँ मैं। तकरीबन 12 साल की उम्र में ईरान में आ गया था। ईरान की बलूची ज़बान मैं फुल जानता हूँ और फारसी भी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी जानता हूँ, काफ़ी क्या मुकम्मल ही जानता हूँ क्योंकि बचपन में ही यहाँ आ गया था मैं। ये देखिए ईरान के लोग ऐसे हैं कि मोटरसाइकिल अगर ख़राब हो जाए तो दो रुक जाते हैं कि क्या हो गया भाई, कोई मसला, कोई परेशानी। यकीन मन मैं जब भी यानी कि यहाँ से जाता हूँ, कहीं जाना होता है भाई वालों के पास या कहीं भी किसी जगह पे जाना होता है, पेट्रोल का मोटरसाइकिल का चेक ही नहीं करता हूँ, ऐसे ही निकल पड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है रास्ते में मिल जाता है। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, यहाँ बुराई ना करें तो यहाँ के लोग चाहेंगे यानी कि अच्छे हैं। ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से यानी कि खुद पैदल चल पड़ता हूँ, नहीं तो लिफ्ट बहुत लोग देते हैं, खुद ही नहीं लेता हूँ वीडियोज़ के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा ये देखें खुश आमदीद तलंग, खुश आमदीद बारोस्ताई तलंग, खुश आमदीद। तो हम तलंग में एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये हमारे जो पोल है वो जो पार्टी पड़ी थी आपको दिखाई थी उसका काम शुरू हो चुका है। करीब जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको भी यकीन आ जाए कि वाकई ही पुल पार्टी हुई का टांका लग रहा है। ये देखें ये वो पुल है जो पार्टी पड़ी थी बन रही है। सॉरी सर, पुल नहीं, वो रोड था, रोड जहाँ से पानी लांघा टापा करता था और वहाँ पे अब इनके पुल बना के उसको उसकी सहूलियत की करी जा रही है कि पानी को लांघने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखें यहाँ का भी काम शुरू हो चुका है चोरी चोरी चुपके चुपके, तो यहाँ पे भी पानी को लांघने से कोई दिक्कत नहीं होगी। माशाल्लाह देखो टर्मिनल बैक, काफ़ी दिन से व्यूअर दुकान का रिव्यू नहीं कराया आप लोगों को। ये देखें ये एक अलमारी बना रहा हूँ, इसमें धोखे में मारा गया हूँ यार, बहुत कम रेट में बना दी है। और एक ये बना रहा हूँ भाई साहब के लिए, और ये एक मेज़ है दफ्तर के लिए, लेकिन इसकी बैक साइड आपको दिखा रहा हूँ, फ्रंट नहीं दिखाया मैंने आपको, फिर दिखाऊंगा कल अगर पड़ी रही तो। इसको तो आप जानते ही होंगे ये शुरू से यहीं पड़ी हुई है बेचारी, क्या करें दे पे हो टेबल के नीचे बढ़ के, मारका क्या करें दे पे हो, मारका क्या हो गया, मारका क्या करें दे पे हो, कार्बन चेंज करें दे पे हो हैं कार्बन, अच्छा कार्बन। और काफ़ी दिन से आपसे मैंने वो क्या कहते हैं उसका नाम शहजाद और वेला मुंडा भाई के बारे में भी बात नहीं करी ना। वेला मुंडा साहब आजकल अपने पार्टनर को दिखाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पहले पार्टनर की आवाज़ सुना रहे करते थे वेला मुंडा साहब, और अब पार्टनर की आस्ता आस्ता यानी कि झलकियाँ आने शुरू हो गई हैं। और उसके बाद एक दिन तो मैंने भी लोग देखा, ये दो चार दिन पहले फेस टू फेस सामने बिठा लिया था, लेकिन उसकी पिक को ना उसकी वीडियो की यानी कि उसकी तस्वीर को ब्लर करके दिखाया गया, और हाथों पे हाथ रखे गए थे, और वो क्या कहते हैं उसको वो जो होता है ना वो रोमांस हो रहा था। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सरायकी कल्चरल की माँ बहन एक कर रहा है ऐसी की तैसी कर रहा है, इससे पूछने वाला कोई नहीं है उस्तादा हैं, इससे पूछने वाला पूछना चाहिए यार इससे, ये गलत कर रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरू से अल्लाह के बंदे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुझे फेम दिया हुआ है, इतना VIP फेम दिया है कि इतने तेरे फॉलोवर माशाल्लाह से तकरीबन 1 मिलियन से प्लस फॉलोवर हैं तेरे, और अच्छी खासी तो अर्निंग कर रहा है। फिर भी क्या ज़रूरत है माँ जी पार्टनर जी इनको लाने की, हैं अबू जी भी आपके टिकटॉक में फेमस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से, उनके भी तकरीबन कोई 200K प्लस फॉलोवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, उनको भी चैनल बना के दे दो, वो भी व्लॉगिंग किया करेंगे, तीनों भाई भी व्लॉगिंग करो। पार्टनर नहीं लाओ यार, नहीं लाओ माँ पार्टनर भाभी जी इन सबको नहीं लाओ व्लॉग में, अगर लाना ही है तो फिर बिल्कुल लाओ सामने लाओ, फिर पता तो चले कि हाँ ये काम किया है आप ग्रेट वाला, नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसा हो तो अब हम समझते हैं हमारी तबीयत ख़राब कर रहे हैं ये लोग, ये अभी आएगी आ जाएंगी कल आएंगी, अगर लाना है तो बिल्कुल सामने ले आओ, कोई मसला थोड़ी है, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मारने वाला नहीं है, नहीं लाना तो बिल्कुल नहीं लाओ, फिर आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, गलत हो जाता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा इस बात के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और इसी बात के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं एंड, और आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।